एक बार फिर से विक्की और अभिषेक की लड़ाई हुई है और इस लड़ाई में अब एक बार फिर से ईशा आगे आई है और ईशा और अभिषेक एक बार फिर आमने सामने हैं। यह एक दूसरे को जो सुनाते हुए नज़र आ रहे हैं उसके बाद अब यहाँ पर अभिषेक टूट चुका है। अभिषेक का मानना है कि जब से सलमान खान गए हैं तब से लगातार जो है घर वाले उसे तानों पर ताने मार रहे हैं और उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। उसका ये मानना है कि अगर घर वाले उसकी बात को, यानी कि अगर सलमान खान ने जो अभिषेक को बात कही उसकी जगह ये सोचे कि उनको कहा क्या कहा गया है तब ज़्यादा बेहतर होगा। तो अब ये लड़ाई विक्की और अभिषेक में शुरू हुई और उसके बाद अभिषेक जो है विक्की को बहुत कुछ बोलता नज़र आया। तो विक्की ने कहा कि तू ऐसे ही सारे रिश्ते बनाता है, पहले तो अच्छा बनता है फिर बाद में पीठ पीछे बहुत बुराइयां करता है और बाद में इंसल्ट भी करता है। तो यहाँ पर ईशा कहती है कि वो तो ऐसा ही है। और जैसे ही ईशा ने ये बोला, अभिषेक ने उसे कहा कि मैं तुझसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तू हमारे बीच में मत बोल और मैं तुझसे तो बिल्कुल भी बात करना चाहता ही नहीं हूँ, मुझे तेरे से कोई भी बात नहीं करनी है। और यहाँ पर अब एक बात तो तय है कि जिस तरीके से अब फिर से अभिषेक और ईशा आमने सामने आए हैं इससे समर्थ बेहद नाराज़ हुए हैं। समर्थ का ये कहना है कि लगातार जो है अभिषेक ईशा को बहुत सारी गंदी बातें बोल रहा है जो कि नेशनल टेलीविज़न पर अच्छी नहीं लग रही। तो आपको क्या लगता है कि जब भी अभिषेक की किसी के साथ कोई लड़ाई हो तो क्या जानबूझकर ईशा बीच में आती है? आप इस बारे में क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताएं।